गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसिड टेक टिप पे। तो जैसा गाइस अभी आपने जो स्टेटस देखा है, आपको इस स्टेटस को बनाने के लिए आपको सबसे पहले काइन मास्टर ऐप का जरूरत पड़ेगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना गाइस। डाउनलोड करने के बाद गाइस आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होने लगेगा। तो आपको सबसे पहले प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको इस वाले फ्रेम को सिलेक्ट करना है। ये आप देख सकते हैं 16.9 का, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद आपको मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद आपको फ़ोटो को लेना है, इमेज को, जिस इमेज का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना गाइस। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे आपको उस इमेज को ले लेना है। इमेज को लेने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस होगा, इसको साइज को इसको बड़ा कर लेना। बड़ा करने के बाद आपको फ़ोटो पर क्लिक करना है। फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंची के बगल में ये अलग ऑप्शन मिलेगा आपको। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इसको इक्वल कर देना। इक्वल करने के बाद अब गाइस अभी मैं इसको इसका साइज़ बड़ा करता हूँ। आपको कुछ इस तरीके का इसको बड़ा कर लेना है। इसको साइड में, इसको साइड में रखना है। आप इस तरीके कुछ करने के बाद आपको इस तरीके देख सकते हैं गाइस, इस तरीके कुछ होने लगेगा आपको। आपको लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जाना है इफेक्ट पे। इफेक्ट वाले आइकन पर क्लिक करना है। इफेक्ट वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है बेसिक इफेक्ट पे, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको पहला वाली इसको ले लेना। लेने के बाद इसका साइज में फुल कर देना। फुल करने के बाद इसको मुझे बढ़ा देना। बढ़ाने के बाद आप देख सकते हैं गाइस ये जो है ये ब्लर हो गया। ब्लर होने के बाद आपको जाना है लेयर पे। लेयर पे जाने के बाद आपको जाना है मीडिया पे। मीडिया पे जाने के बाद आपको एक वीडियो लेना है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से गाइस इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इसको ले लेना। इसका जो आप देख सकते हैं कैंची, कैंची के बगल में जो आपको आइकन दिख रहा है, इसको इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद मुझे इसको फुल कर दिया। फुल करने के बाद आपको जाना नीचे ब्लेंडिंग पे। ब्लेंडिंग का ऑप्शन पे जाने के बाद इसको मुझे स्क्रीन कर देना। स्क्रीन कर दिया। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का होने लगेगा। आपको फिर से लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है। लेयर वाले ऑप्शन पे जाना, आपको मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद गाइस आपको एक वीडियो लेना, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा गाइस। वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद उसको ले लेता हूँ अभी, आप देख सकते हैं। तो मैंने ये अभी वीडियो मैंने यहाँ से लिया। लेने का मैं इसको स्क्रीन करता हूँ। तो मैं ब्लेंडिंग कर गया। ब्लेंडिंग के जरिए मैंने इसको स्क्रीन कर दिया। स्क्रीन करने के कुछ इस तरीके से देखे कि मैं इसको यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। इसको इस तरीके से सेट करने के बाद आपको जाना है फिर से लेयर पे। और लेयर पे जाने के मैं इस सॉन्ग का आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा गाइस। वहाँ से भी सॉन्ग को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद मैं इस सॉन्ग को ले लेता हूँ। लेने के बाद अभी मैं इसको ब्लेंडिंग पे जाने का, ब्लेंडिंग के जाने का मैं इसको स्क्रीन कर देता हूँ। स्क्रीन करने के बाद अभी देख सकते हैं, तो मैं इसको सॉन्ग को मैं इस तरीके से कुछ यहाँ पे सेट कर देता हूँ। सेट करने के बाद आपको जाना है फिर से लेयर पे। लेयर पे जाने के बाद मीडिया पे जाना। मीडिया पे जाने के मैं एक PNG लेता हूँ, जिसको PNG मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अभी इसको यहाँ पे सेट कर लेना। सेट करने के बाद गाइस आपको जाना है, इसको मैं साइज़ को मैं बड़ा करता हूँ। बड़ा करने के बाद आपको इस पर जाना है, एनिमेशन वाले ऑप्शन पर। आपको इस पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है ये वाला फिल्टर को चूज कर लेना है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का होने लगेगा। तो गाइस अभी मैं प्ले करके आपको एक बार दिखाने वाला हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे गाइस, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए।